हेलो एवरी वन, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैंने बैगन का भरता बनाया है, बैगन का अचार, एक्चुअली गुड़ के अचार बनाया है, और साथ में आलू और पोटल। तो ये मैंने कैसे बनाया मैंने आप लोगों को दिखाया है वीडियो में, और आप लोगों को ये वीडियो शायद अच्छा लगेगा। और चावल के साथ, मकई का चावल, और उसमें थोड़ा सा घी ऐड कर लिया है, और साथ में है मसूर दाल। तो ये मैंने ऑलरेडी बनाया था, तो इसका मैंने वीडियो नहीं दिया है क्योंकि आप लोगों को भी पता है कैसे बनता है। और ये मेरा तरीका है, मैं कैसे बनाती हूँ, बहुत ही सादा प्लेन बनाती हूँ। तो सबका अपना अपना तरीका होता है, तो बस मैंने अपना जो तरीका था वो शेयर किया आप लोगों के साथ। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगेगा प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो पहले मैं यहाँ पे खाना रेडी करती हूँ। खाना में आप देख रहे हो चावल और मकई का चावल के साथ मैं घी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि घी ऐड करने से इसका स्मेल भी बहुत अच्छा आता है, खाना भी बहुत टेस्टी होता है। तो आपने देख लिया है कि यहाँ पे बैगन मैंने धो के रख दिया, एंड ये मैं थोड़ा सा, ये मैं ऑयल में भी फ्राई कर सकती थी, बट मुझे ज़्यादा ऑयली पसंद नहीं है, ज़्यादा स्पाइसी भी पसंद नहीं है। तो ये मैंने गैस में थोड़ा सा इसको पका रही हूँ विदाउट ऑयल। ऊपर से अगर आप ऑयल भी थोड़ा सा लगा के अप्लाई करके गैस में पकाते हो तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा भी आता है, बट मैं ऐसे ही बना रही हूँ। तो ये मैंने दो ऑलरेडी पका दिया है, और ये है, ये पक रहा है। आप घर में भी आप ट्राई कर सकते हो, बहुत ही इजी है और बहुत ही टेस्टी होता है। बट ये मेरा बनाने का तरीका होता है, क्योंकि अपना अपना तरीका होता है, तो ये मेरा तरीका है गाइस। तो आप ये देख सकते हो ये कितना अच्छे से पक गया है। तो मैं इसको पूरा तो ये साफ़ नहीं करूँगी इसका छिलका, क्योंकि जो जो ये डरा हुआ है वो बहुत अच्छा होता है, मुझे टेस्टी लगता है। बट ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मैंने ऐसे तो खाया है बैगन का अचार, बट ये मैं गोरखी स्टाइल, नेपाली स्टाइल में बना रही हूँ, तो कैसा होगा टेस्ट मुझे पता नहीं। तो ये ऑनियन है, इसको मैं फ्राई करती हूँ। ऑनियन के साथ है टमाटर और ग्रीन चिल्ली, इसमें आप डल्ले खुरसानी भी डाल सकते हो। अगर किसी को बहुत ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप डल्ले खुरसानी ऐड कर सकते हैं। तो ये मैंने ऑयल में थोड़ा सा फ्राई कर दिया है, एकदम ही लो फ्लेम में पकाना है फ्रेंड्स। तो ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। तो अभी मैं इसको क्या करूँगी, मिक्सी में नहीं डालूँगी, क्योंकि अगर मैं मिक्सचर में डालती हूँ तो ये पूरा मीन हो जाएगा, तो इतना टेस्ट नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं हाथ से ही कर रही हूँ सिलाउटो में, एकदम नेपाली स्टाइल में, पूरा नेपाली। बट इसमें हाँ थोड़ा सा मेहनत लगता है, बट वो मेहनत के हिसाब से बहुत टेस्टी भी होता है, वो तो आप लोगों को पता होगा। तो इसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है और कुछ भी नहीं है। तो ये होने के बाद हम लोग बैगन को भी मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने बैगन को भी पीन लिया है, आप देख सकते हो। और ये बैगन के अचार के साथ आप रोटी भी खा सकते हो, बिना सब्जी के ही, इससे ही बहुत ही मतलब टेस्टी होता है। आपको अगर ये होने से आपको कोई सब्जी की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे ऐसा लगा। तो रोटी के साथ भी बहुत इसका कॉम्बिनेशन अच्छा होगा खाने में, और राइस के साथ तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अपना अपना टेस्ट है और अपना अपना तरीका है जैसे मैंने बनाया है, क्योंकि खाना तो सब लोग बनाते हैं बट तरीका अपना होता है। तो मेरा ये तरीका था, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। एंड गाइस प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, और प्लीज़ आप
लोग किस तरीके का वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना, सो दैट मुझे हेल्प होगा तो मैं आप लोगों को दिखा पाऊँगी एंड मैं ट्राई करूँगी। बैगन का अचार करते करते मैंने साथ में आलू और पोटल का सब्जी भी बनाया है। यहाँ पे बहुत ही सिंपल, पांच फ़ोरन रेड चिली और उसमें ऊपर से आलू ऐड कर दिया है। इसमें भी कुछ भी मसाला नहीं, ऊपर से थोड़ा सा हल्दी और रेड चिली पाउडर, नमक। तो इसके ऊपर मैं डालूँगी पोटल, तो पोटल के साथ होगा मेरा थोड़ा सा टमाटर, क्योंकि थोड़ा सा जूसी तो चाहिए सब्जी में। आप देख सकते हो ये भी ऑलमोस्ट पकने लगा है। ये एकदम ही नेपाली तरीके का सब्जी बना है, देख सकते हो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब हुआ है। एक्चुअली मैं पहले पोटल वगैरह नहीं खाती थी, बट अभी हाँ। और आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा खाना भी रेडी हो गया है, चावल और साथ में मैंने घी ऐड कर लिया था, आप लोग ने तो देखा ही होगा। और ऐसे आप लोग ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही क्या बोलते हैं, हेल्दी भी है ये। नेपाली में हम लोग बोलते हैं अड़ीलो, एक बार ये खाने के बाद बार बार भूख नहीं लगता है। तो ये मेरा सब कुछ रेडी हो गया है, खाना भी मैंने सर्व कर लिया है और थोड़ा सा बैंगन का अचार और उसके साथ में आलू और पोटल एंड दाल। दाल तो मैंने ऑलरेडी बना दिया था सुबह ही, एकदम ही सुबह बनाया था, तो इसलिए मैंने दाल का वीडियो नहीं दिया, क्योंकि आप लोगों को पता है दाल तो बहुत ही सिंपल ही बनता है। तो ये मेरा खाना रेडी हो चुका है, तो आप देख सकते हो राइस, अचार, सब्जी और दाल, एकदम एकदम ही सिंपल और टेस्टी। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अगर मेरा आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप लोग का अगर सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहा है तो प्लीज़ शॉर्ट्स में भी आप लोग फोकस करना, शॉर्ट्स से बहुत ही अच्छा व्यूज़ आता है और साथ साथ में आपका सब्सक्राइबर्स भी बढ़ता है। और यहाँ पे मैं बकबक कर रही हूँ, तो मैं ये बोल रही हूँ कि आप लोग प्लीज़ घर में भी ट्राई कीजिए इस तरीके का खाना, जो स्पेशली बस्ती में खाते हैं हम लोग, घी के साथ मकई का चावल, तो बहुत ही टेस्टी होता है और हेल्दी होता है। सो गाइज, प्लीज़ 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 डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तो सपोर्ट करना, प्यार करना। बाय बाय।